भाई। और जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि मैंने वापस से मिनोक्सिडाइल को ही स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया, मिला तो रिजल्ट नहीं, तो मुझे वापस आना पड़ा मिनोक्सिडाइल को ही यूज़ करने के लिए। करंट मिनोक्सिडाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कैरा FM 5%। इसमें मिनोक्सिडाइल 5% है, फेनेस्ट्राइड 0.1% है और इसका बेस एल्कोहलिक नहीं है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल भी नहीं है, ये एक्वस बेस है। तो इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि ज़रूरत नहीं है कि हमें केटाकोनाज़ोल शैम्पू ही यूज़ करना पड़े स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए, डैंड्रफ टाइप प्रेसिपिटेट या लेयर को निकालने के लिए। अगर आपका मिनोक्सिडाइल का बेस नॉन एल्कोहलिक है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल एक्वस बेस है, तो आप जॉनसन्स बेबी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, दैट टू 2 to 3 times अ वीक। इससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बालों को सिर्फ और सिर्फ हमको साफ रखना है, कोई प्रेसिपिटेट मिनोक्सिडाइल का रहना नहीं चाहिए। बाल हैज़ टू बी क्लीन, स्कैल्प हैज़ टू बी क्लीन, यही मोटो हमारा रहता है। प्लस आप लोगों को तो मालूम ही है, अभी मैं DHT को ब्लॉक करने के लिए फिनेस्ट्राइड नहीं ले रहा हूँ, नेचुरल DHT ब्लॉकर ले रहा हूँ अभी। ऑल दो ओजीवा का DHT ब्लॉकर है, प्लांट बेस्ड DHT ब्लॉकर है। अगर आपको इसकी स्पेशलिटी जानना है तो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर अपडेट कर दूंगा, ताकि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इसके साथ आप लोगों को तो मालूम ही है, 2 to 3 times अ वीक, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 times अ वीक डर्मा रोलर भी मैं करता हूँ। ये डर्मा रोलर जो है वो 1 mm का है और इसको यूज़ करना है अराउंड 1 hour बिफोर अप्लाइंग मिनोक्सिडाइल। ट्वाइस अ डे मिनोक्सिडाइल लगाना है, ट्वाइस अ वीक हमको डर्मा रोलर से मसाज करना है स्कैल्प में, जिस भी एरिया में आपको ज़रूरत है बालों को रीग्रो करने की। और ये प्रोसेस करते हुए भाइयों मुझे हो गए हैं पूरे 15 दिन, और आपके साथ आज लेकर आया हूँ कि कितना डेवलपमेंट मुझे मिला। स्कैल्प विजिबल जो था कवरअप होने लग गया है कि नहीं, हेयर फॉल बना हुआ है कि नहीं, बिकॉज 15 दिन में रहता है, आपको ही मालूम है कभी भी मिनोक्सिडाइल स्टार्ट करते हैं तो हेयर फॉल बना रहता है, बहुत ही बड़ा मसला रहता है मिनोक्सिडाइल स्टार्ट करते हैं तो। प्लस ईचिंग भी बनी रहती है, मिनोक्सिडाइल कोई सा भी यूज़ करो, ईचिंग इरीटेशन या पिंपल्स ये ज़रूर होते ही हैं, जिसके कारण बहुत सारे बंदों को मिनोक्सिडाइल बीच में ही छोड़ना पड़ता है। ये क्या परेशानियाँ मैं झेल रहा हूँ या नहीं, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। भाइयों इसके लिए आपको देखना होगा वीडियो को पूरा। नमस्कार भाइयों एंड वेलकम बैक टू स्टॉप हेयर फॉल सून। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते रहें, शेयर करना ज़रूरी है भाइयों। पहले आ जाते हैं कि मिनोक्सिडाइल मैंने स्टार्ट किया 15 दिन हो गए हैं तो हेयर फॉल बना हुआ है कि नहीं, बिकॉज बहुत बंदे हेयर फॉल के मसले के कारण ही मिनोक्सिडाइल को बंद कर देते हैं। अभी मुझे हुआ है 15 दिन और भाइयों हेयर फॉल मिनोक्सिडाइल से बनना स्टार्ट होता है, या शेडिंग फेज भी जो बोलते हैं वो स्टार्ट होता है अराउंड 20 से 25 दिनों के बाद से, पहले से नहीं। जैसा लगाना शुरू किया है वैसे ही कभी भी शेडिंग फेज या बालों का गिरना स्टार्ट नहीं होता मिनोक्सिडाइल लगाने से भी। अराउंड 20-25 days से 40-45 days के इन बिटवीन ये हेयर फॉल बना रहता है, जिसको हम शेडिंग फेज बोलते हैं मिनोक्सिडाइल के वजह से। प्लस तो ये तो क्लियर है कि भाइयों अभी मुझे इतना एग्रेसिव हेयर फॉल नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल हेयर फॉल रहता है पर डे का अराउंड 20 से 30 मैक्स टू मैक्स वो बना हुआ है। और दूसरा मसला कि भाई ईचिंग इरीटेशन बना है कि नहीं, मिनोक्सिडाइल को बहुत सारे मैंने प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वापस स्टार्ट किया है, न्यू हेयर लोशन यूज़ कर लिया है, प्लस बहुत सारे मैंने वाइटलाइजर भी यूज़ किया है, तो उसके बाद मैं बिकॉज मिनोक्सिडाइल यूज़ कर रहा हूँ तो ईचिंग बनी हुई है कि नहीं, इरीटेशन जो बना रहता है वो बना है कि नहीं, प्लस चेहरे में पिंपल्स भी है कि नहीं, बहुत सारे लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। तो भाइयों वेरी क्लियर आई एम कि मुझे ये मसला भी नहीं है। मेन थिंग
जो ईचिंग इरिटेशन मिनोक्सिडाइल के बने वजह से रहती है वो इसके बेस के कारण होती है। अगर अल्कोहलिक बेस है आपका मिनोक्सिडाइल तो ईचिंग बनी रहती है। अगर आपको अल्कोहल बेस से कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, आपके स्किन सेंसिटिव है तो, मगर बिकॉज ये अल्कोहलिक बेस नहीं है तो मुझे वो दिक्कत मसला नहीं है। इवन पिंपल्स का बोला जाए तो कुछ भी वैसा भी नहीं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाइयों डीएसटी ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट प्लस ये कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट कब तक मिलेगा? भाइयों जैसे कि आप सबको मालूम है कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी गाइस हैव टू वेट फॉर 60 to 90 days, कम से कम 60 से 90 दिनों तक का वेट करना ही है तभी हमको रिज़ल्ट मिलने वाला है, इससे पहले नहीं। तो भैया मैं तो अभी वेट ही कर रहा हूँ, बट इवन देन आप लोगों को मैं अपना स्कैल्प शो ज़रूर करूँगा। जिन भी बंदों ने नियो हेयर लोशन का मेरे वीडियोस देखे हैं उनको मालूम है वो टाइम पे मेरी कंडीशन स्कैल्प की, बालों की कितनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। तो सही भाई साहब बोलो तो आप देखें, मैं आपको स्कैल्प ही मैं शो कर रहा हूँ, ये देखें। पहले नियो हेयर लोशन यूज़ करता था तो कंडीशन वर्स्ट थी, लेकिन एटलीस्ट हेयरफॉल बना हुआ था जब से यूज़ कर रहा था, वो हेयरफॉल अब कम हो गया है। अब देखें टेम्पल एरिया तो अभी भी टू सम एक्सटेंट विजिबल है, नो डाउट इन इट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्कैल्प की कंडीशन पहले न्यू हेलोशन के टाइम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कहीं से भी एटलीस्ट मैं बैठा हूँ तो आई एम नॉट लुकिंग बाल्ड। आप देख सकते हैं कहीं से भी ऐसा नहीं है कि मैं टकला लग रहा हूँ, बिकॉज न्यू हेलोशन जब मैं यूज़ करता था और मैं खड़ा भी रहता था, बैठा रहता था इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो ऐसा लगता था कि भाई स्कैल्प तो विजिबल है, कॉन्फिडेंस कहाँ गया तेरा। और अभी कम से कम मैं बैठ पा रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, और ऑल दो मैं यह नहीं बोल रहा कि मुझे रिजल्ट मिल गया है, बट जो कंडीशन न्यू हेयर लोशन से थी वो कंडीशन से इम्प्रूवमेंट अच्छी खासी मिली है 15 दिनों में ही। भाई लोग ये रियलिटी है, आपने मेरे न्यू हेयर लोशन जब मैंने एंड किया था उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दूंगा, आप देखें मेरी कंडीशन क्या थी और अब कंडीशन क्या है, आप कंपेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपडेट करें कि मैं मुझको रिज़ल्ट कितना मिला है। 15 दिनों में कुछ आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट नहीं मिलता, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस मुझे मिला है वापस कि भाई मैं बैठ पा रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कॉन्फिडेंटली, यही काफ़ी है। अच्छा भाई लोग ऐसा ही मैं वीडियो आप लोग के साथ लाता रहूँगा, मेरी मिनोक्सिडाइल प्लस अदर प्रोडक्ट जो आपके साथ शेयर किया उसकी जर्नी आपके साथ लाता ही रहूँगा। अगर आप चाहते हैं इस जर्नी में मेरी बने रहना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ही है। चलें भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।